ये स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि बेसिकली केमिस्ट्री हमारे पास क्या चीज है। तो जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि केमिस्ट्री हमारे पास ब्रांच ऑफ साइंस है। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ओके, तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, तो यहां पे हमारे पास एक नया वर्ड आ रहा है, वो वर्ड क्या है जी? साइंस। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि साइंस क्या चीज है। तो इसके लिए आप ऑलरेडी जानते हैं कि साइंस इज एन एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, जिसके अंदर कोई भी इंसान क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, उसे हाइपोथेसिस बनाता है, एक्सपेरिमेंट करता है, वहां से फिर उसके रिजल्ट बनाते हैं और रिजल्ट से फिर आगे फिर वो एक लॉ या थ्योरी बनाता है और फिर उन लॉ या थ्योरी को डेली लाइफ के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम केमिस्ट्री को देखें तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। कैसी ब्रांच है? इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी कंपोजिशन ऑफ मैटर। किस चीज को पढ़ते हैं? पहली बात कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, इसके अंदर हमने पढ़ना है कि कंपोजिशन ऑफ मैटर। दूसरे नंबर पे हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, तीसरे नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और चौथे नंबर पर है हमारे पास चेंजेस इन मैटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो चीजें आती है हमारे पास। ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये हमारे पास दो तरह की हो सकती है। प्रॉपर्टीज दे माइट बी फिजिकल और केमिकल। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम चेंजेस इन मैटर की बात करते हैं तो हमारे पास ये चेंजेस भी दो तरह की हो सकती है, सेम फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। तो यहां पे हमारे पास बार बार एक वर्ड आ रहा है, मैटर मैटर मैटर। सो हम ये देखते हैं हमारे पास मैटर क्या चीज है। यहां पे हमने कंपोजिशन ऑफ मैटर कहा, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, उसके बाद चेंजेस ऑफ मैटर कहा। तो ये मैटर बेसिकली क्या चीज है? तो मैटर को हम डिफाइन करेंगे एनीथिंग एनीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कि कोई भी चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसको हम कहते हैं जो मैटर है। अब इसकी मैटर की डिफरेंट स्टेट्स हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, आप ऑलरेडी जानते भी हैं, डेली लाइफ में हम इनको यूज भी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सॉलिड, दूसरे नंबर पे हमारे पास लिक्विड और तीसरे नंबर पे है गैस। ठीक है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों को हम डिफाइन करते हैं कि सॉलिड जो है इनकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड की वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। तीसरे नंबर पर हमारे पास गैसेस आती हैं, गैसेस का ना तो डेफिनेट वॉल्यूम है और ना ही इनकी कोई डेफिनेट शेप है। तो जहां पर हमने इसकी डेफिनेशन की थी, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कि इसके लिए वजन रखना और जगह घेरना दोनों चीजें लाजमी है। तो सॉलिड्स की हम बात करते हैं, सॉलिड्स आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जगह भी घेरते हैं और वजन भी रखते हैं। लिक्विड्स के बारे में भी आप अवेयर होंगे लेकिन गैसेस के बारे में मोस्टली स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर हमें ये प्रूव करना हो कि गैसेस जगह भी घेरती है और वजन भी रखती है, तो इसकी बड़ी इजी सी एग्जांपल्स मैं दूंगा कि गैस का सिलेंडर होता है आपके घर के अंदर, आप खाली सिलेंडर को उठा के देखें, उसके बाद उसके अंदर गैस फिल करवानी है और गैस फिल करवाने के बाद उठा के देखें, दोनों कंडीशन में आप फील करेंगे कि गैस फिल करवाने के बाद उस सिलेंडर का जो मैस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया, मतलब जितनी आपने उसके अंदर गैस फिल करवाई उसके अकॉर्डिंग उसका जो है वो मैस इंक्रीज हो गया। दूसरी चीज आपने देखनी है कि गैसेस क्या जो है वो जगह घेरती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है? तो बिल्कुल करती है। इसके लिए किसी से एक्सपेरिमेंट आपने घर के अंदर करके देखना है। आपने एक टब लेना है, उस टब के अंदर पानी लें
एक ग्लास लें और उस ग्लास के पेंदे के अंदर एक पेज, कोई भी कागज, वो उसके अंदर डाल दें। कागज को रोल करें और उस ग्लास के पेंदे के अंदर डाल दें। अब ग्लास को आपने क्या करना है, बिल्कुल उल्टा उल्टा करके उस पानी के अंदर डिप कर दें, पानी के अंदर ले जाएं। जब आप ग्लास बाहर निकालेंगे तो उसके अंदर वो जो आपने कागज, वो जो पेज आपने डाला हुआ था, वो ड्राई का ड्राई होगा, वो गीला नहीं होगा। क्यों गीला नहीं होगा? क्योंकि जब आपने ग्लास को उल्टा किया तो उस ग्लास के अंदर हवा थी, आप उसको पानी के अंदर ले गए, बाहर निकाला तो वो जो हवा थी उसने वो जगह घेरी हुई थी, उसने पानी को ग्लास के अंदर नहीं आने दिया और आपका पेज ड्राई का ड्राई था। तो ये चीज थी, एक मिस्ट्री हमारे पास क्या चीज है, बेसिकली ब्रांच ऑफ साइंस है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चेंजेस इन मैटर। आपकी आपकी बुक के अंदर लिखा है रिएक्शंस ऑफ मैटर। तो वो रिएक्शंस जो है बेसिकली दीज केमिकल चेंजेस हैं या फिजिकल चेंजेस हैं। तो रिएक्शंस भी हमारे पास चेंजेस इन मैटर है, तो इसी पॉइंट के अंदर हम उसको लेते हैं। उसके बाद हमने डिफाइन किया मैटर क्या चीज है। तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो इन सारे की मैटर के गिर्द हमारी ये सारी की सारी केमिस्ट्री घूमती है। अब अगला एक क्वेश्चन आता है जी, साइंस कैसे बनी, केमिस्ट्री कैसे बनी। तो ये सारे के सारा नॉलेज जो है केमिस्ट्री जो है उस दिन बनी थी जिस दिन हम कहते हैं कि इंसान ने पत्थरों से आग जलाई थी। वो पहला दिन जिस दिन इंसान ने आग जलाई थी पत्थर को रगड़ के, ठीक है, तो वहां से जो चिंगारियां पैदा हुई उससे घास के ऊपर आग लगी, तो आग लगने के अमल से जो था एक केमिकल रिएक्शन था, तो वो जो चीज थी बर्निंग, जिसको आप कंबस्टन कहते हैं, ठीक है, तो उस चीज उस दिन से जो है वो आपका केमिस्ट्री की जो फाउंडेशन थी वो बन गई थी, ठीक है। तो आज ये केमिस्ट्री के बारे में एक बहुत ही इजी सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है नाइन्थ क्लास के लिए हम देखेंगे कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री क्या चीज है, और इसी के अकॉर्डिंग टेंथ क्लास के लिए भी कि फर्दर केमिस्ट्री उनके लिए किस तरह जो है वो काम करती है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।